अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रियादा सानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता के इस प्रोग्राम का जिसका नाम है तालीम जिंदगानी। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट बार बात की थी, एक बहुत बड़ी कृति जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, दहेज प्रथा। मैं शुरू करना चाहूंगी जसबीर मैम से, दहेज प्रथा के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैम, दहेज प्रथा के बारे में जब लास्ट सेशन हमने लिया था तो हमने कुछ बातों पर निष्कर्ष लिए थे कि किस तरह से हम इस कृति को कम कर सकते हैं। तो तस्वीर मैम, कुछ बेसिक सवाल है जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि दहेज प्रथा नाम की जो एक बहुत बड़ी बीमारी कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है इंडिया में, सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? इसका देखिए, हमें अगर कारण ढूंढ रहा हो तो कारण तो कोई है ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक ये समाज में जिसने भी ये बनाई है, क्योंकि पुराने धर्मों में जिनका कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों ने औरत को शुरू से ही एक बोझ समझा हुआ है, बोझ जी। और उस भारतीय समाज में चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे उसमें गिरफ्त में आए हुए हैं कि औरत या लड़की एक बोझ होती है। अब उस बोझ को उतारना होता है उन्होंने। आपने आम घरों में सुना होगा, गांव में, शहरों में, हमने जी अपना बोझ हल्का कर लिया, जब शादी कर देते हैं लड़की की तो वो उसको बोझ समझते हैं। बोझ क्यों समझते हैं? कि उसको ये बना रखा है पहले तो कि हमारी इज्जत आबरू ही औरत है। इज्जत आबरू औरत ही क्यों है, बंदा क्यों नहीं है इज्जत आबरू, पहले पूछे कोई। तो ये इन्होंने पुराने जो धर्म है वहां के, जिनका कोई आधार, कोई उनका चलाने वाला नहीं था, सनातनी परंपराएं जो इनकी हैं वो बहुत बहुत खतरनाक हैं, जिन्होंने समाज को बहुत तरीके की धारणाओं में जकड़ा हुआ है। जैसे जात पात भी वहीं से आता है, और जो है लड़की को बिल्कुल कमजोर समझना, औरत को तो खैर मर्द ने धर्म की आड़ में बिल्कुल ही नकारा करके रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ईसाइयत हो या वो मुसलमान हो या वो हिंदू हो। मैंने तो सब में जितना मैंने पढ़ के देखा, मैंने यही देखा है कि वो औरत को बहुत ही नीचा समझते हैं। किताबों में तो बहुत पूजा करते हैं, देवी बना दिया, और जी ये तो माँ के कदमों में जन्नत होती है और मदर अर्थ और ये वो, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, अगर हम देखें कि इनके जो काम कैसे, इनके जो रोजाना की जिंदगी में जो कार विहार है वो कैसा है, तो वहां औरत कुछ भी नहीं है, खाली उसको दिल परचावा या फिर उसको ऑनर बना दिया या फिर उसको कमजोर बना दिया, या ये कहा गया कि ये जो है इसको तो बचपन में बाप की जरूरत है, उसके बिना ये मर जाएगी, जी नहीं सकती है, इसको फिर भाई की जरूरत है, फिर इसको हस्बैंड चाहिए, नहीं तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, और बुढ़ापे में इसको लड़के का सहारा चाहिए वरना इस ये खत्म हो सकती है, बहुत कमजोर है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुरु नानक ने, वो इतने रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने आके फिर सारे समाज को एक ललकार दी थी कि तुम औरत के बिना दो घड़ी भी नहीं जीते हो, और जितने भगत, जितने राजा, ये सब इसकी कोख से पैदा होते, तुम इसको कमजोर कह ही कैसे सकते हो, क्योंकि गुरबाणी में लिखा हुआ है सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान। तो कहते सारी जो पौड़ी है वो आसा की वार में, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, वो ये है कि इसके औरत के पास तो वो बर्तन है, मतलब कोख का बर्तन, उसको गुरबाणी में पंडा कहते हैं, मतलब बर्तन जिसमें से सब पैदा होते हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो सारे उसी बर्तन से पैदा होते हैं, सिर्फ एक निराकार प्रभु ईश्वर अल्लाह वो है सिर्फ जो इसकी कैद से आजाद है। इसके बिना तुम्हारी जिंदगी दो मिनट भी नहीं चलती है, इधर से ये मरती है, उधर से दूसरी ले आते हो, इसको तुम कमजोर कैसे कह सकते हो। तो ये इनकलाब शुरू हुआ था, तो मैं कहूंगी कि सिख औरतें जो हैं, जो जो हो जो बनती है सिख, सिख देखिए जन्म से नहीं होता है। मैं दहेज पे ये सारी इसकी बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूं कि कैसे दहेज इन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि इसको तुम अगर कमजोर कमजोर करते रहोगे तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारी सभ्यताएं, तुम्हारा समाज कभी भी निरोग नहीं होगा, क्योंकि औरत को तभी आप मेरे सर पे दस्तार देख रहे हैं
कि अगर हम जिम्मेवार और मजबूत औरतें होंगी तभी हम जो है आगे से हम मजबूत समाज को और मजबूत धारणाओं को जो है आगे पनपा सकते हैं अपने समाज के अंदर। लेकिन हुआ क्या है कि उसको कमजोर कमजोर करके फिर ये कहते हो जी हमारी लड़की की तो शादी नहीं होगी, लड़के वाले आसमान पे चढ़ गए हैं कि बस लड़का पैदा कर लिया है तो अब दूसरों को लूटो। सारी जिंदगी ऐसे से इन्होंने रिवाज बनाए हुए हैं कि उसको जो है पहले तो शादी करनी है तो सारा कुछ लड़की वाले करें। बताओ सबसे बड़ी बात गलत तो है ही ये कि उस एक तो अपनी लड़की देता अगला, पढ़ाई लिखाई उसकी और सारी उसकी बरकत जो होती है, जो उसने सारा काम करना है कमा के देना है वो तो सारा ससुराल में जाके करके देना है, तो उसको जो विदा करना है तो उसके साथ ढेरों लाखों का दहेज भी चाहिए। जो कमजोर बेचारे गरीब लोग हैं वो भी उसको जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से जुटा के दे। तो ये आप अपना म्यूट कर लें प्लीज ज्योति जी, आप अपना जो है वो म्यूट कर लें तो फिर आवाजें नहीं आएंगी। तो ये है कि जब भी आप अपनी लड़की को घर में बड़ा कर रहे हैं और लड़के को बड़ा कर रहे हैं, उनको दोनों को ये समझाना है शुरू से कि ना लड़की के बिना ये संसार चल सकता है ना लड़के के बिना चल सकता है, दोनों की बराबर की जो है दुनिया के अंदर इंपॉर्टेंस है, वो दोनों बराबर के पहिए हैं जिंदगी के। अगर लड़कियां नहीं है संसार खत्म हो जाएगा, लड़के नहीं है तब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है वाहिद, मुझे लगता पाकिस्तान में भी होगा, वहां दहेज जैसी जो है कुकर्म किए जाते हैं और उसके नाम पे जला दिया जाता है, उसके नाम पे लड़कियों की शादी नहीं होती, बाप खुदकुशियां कर लेते हैं, अपना सारा कुछ बेच देते हैं। इस प्रथा के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए, खासकर आजकल के लड़कों को खड़ा होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लड़के डॉक्टर लड़कियों से, इंजीनियर लड़कियों से या सीए लड़कियों से या टीचर से जिससे भी शादियां कर रहे हैं, उनको ये मना करना चाहिए कि बिल्कुल भी कोई एक चीज भी नहीं लड़की अपने साथ लेके आएगी हमारे घर के लिए। घर घर क्या वो बिल्कुल कंगाल होते हैं कि वो बिस्तरों पे नहीं सोते हैं या उनके घर में खाना नहीं होता, बर्तन नहीं होते, टीवी पंखे नहीं होते, जो लड़की वाले उनको टीवी पंखे फ्रिज खरीद के दें, क्यों? और ये किसने बनाया है? जिसने बनाया है उसकी जड़ को पकड़ो। जो बंदा इन चीजों में विश्वास करता है उस जबरदस्ती नहीं मतलब मजबूती से खड़े होना पड़ेगा। इसकी जड़ कोई नहीं है, इसकी जड़ सिर्फ हमारे दिमागों में गलत बना दी गई है जिसको के हमको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पंजाब में बहुत ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे भाइयों ने और कईयों ने ऐसे शादियां की हैं कि हम सिर्फ लड़की वालों के घर से कुछ भी नहीं लेकर आए, बिल्कुल कुछ नहीं, और ना कोई मांग ना कोई ये जो है कि भाई शर्त रखी गई हो, ना कुछ भी नहीं। और लड़की लड़के को सबसे पहले ये देखा गया कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सेहत, उनके परिवार एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो ताकि बच्चों को आसानी हो जाती है जिंदगी अपनी बसर करने में, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हो, वहां पे दहेजों का कुछ चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तो अमेरिका में तो ऐसा हो गया अब हमारी सिख जो है कौम के अंदर कि लड़का और लड़की वाले परिवार जो है वो एक शहर में जब शादी रखते हैं और उनके बराबर के मेहमान आते हैं तो बराबर बराबर का खर्चा बांट के एक दूसरे के साथ रखते हैं कि लड़के वालों के भी गेस्ट आएंगे, लड़की वालों के भी आएंगे। गुरुद्वारे में तो चलो लंगर होता है, ठीक है वहां लंगर बनवा लिया, अगर आप शाम को होटल में कोई रिसेप्शन है तो वो आधा आधा खर्चा करते हैं, क्योंकि लड़की वाले लड़के वाले एक दूसरे को इज्जत मान बख्शिश करते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की हमारे लिए पैदा हुई है, तुम्हारा लड़का हमारे लिए पैदा हुआ है, तो हमें खुशी खुशी ये कार्य करना है। ये हम सबको खासकर जो पढ़े लिखे खानदान है उनको ये रीतें पक्का करनी पड़ेंगी। पर मुसीबत उस भारत में ये है कि वहां लोगों को अपने अहंकार के अंदर लोगों को ड्रामा दिखाना होता है, बड़े बड़े पंडाल लगाकर और बड़े बड़े फूल सजाकर और पता नहीं क्या गहने देकर, ताकि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे उनको देख देख के परेशान हो जाएं, उनको देख देख के वो भी फिर वैसे ही जो है नकल करें। तो वो जड़ उसकी कोई नहीं है, जड़ यही है कि औरत को बोझ समझा जाता है। जो औरत को बोझ समझते हैं वही ये काम करते हैं। अगर जो औरत को बोझ नहीं समझते
वो ये काम कभी भी नहीं करेंगे। औरत को, औरत तो घर का गहना है, औरत तो घर का हीरा मोती है। जितना वो चमकेगा, जितना वो मजबूत होगा, चमकदार होगा, अच्छा होगा, उतना ही वो परिवार जो है वो बड़े फूलेगा। इसलिए हम सबको इस कुरीति के खिलाफ बहुत ऊंची आवाज में मतलब हल्ला बोलना चाहिए, मैं कहूंगी। जी, अगला सवाल मेरा ज्योति मैम से है। ज्योति मैम, अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। ज्योति मैम, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की की किसी कमी पर लड़के वाले मांग रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़की के अंदर अगर कोई कमी रहती है तो लड़के वाले शादी करने के बजाय उनसे दहेज की मांग करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए मैम, सबसे पहले तो लड़की में कमी है ये सोचने का अधिकार उन लोगों को किसने दिया? सबसे पहले है ना कि लड़की में कोई कमी है, क्यों कमी है, तुमने क्या आके देखा है कमी है? तुम्हारे लड़कों में कुछ कमी नहीं है, हम इंसान हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो लड़की में ही कमी क्यों ढूंढी जाती है? मैं बात करना चाहूंगी। मेरा जो सवाल, आपने वैसे आप सही और ऑन डॉट जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रंग अगर सांवला हुआ, लड़की मोटी हुई या कोई और उसमें कमी हुई, तो उस पर वो लोग अपनी मांग शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल वैसे पहले अधूरा था, तो मैंने आपसे बिल्कुल मैं जा रही हूँ। ओके ओके चलेगा। तो देखिए, मैं वही कहना चाहती हूँ जो आपने अभी बोला है। तो लड़की में कमी है ना, लड़के में नहीं है, तो लड़की वालों ने भी फिर मांग रखना चाहिए कि तुम्हारे लड़के में ये कम है, वो कम है, हमें दो, वो नहीं, तो ये अधिकार हमें क्यों नहीं मिला है? हमें इसके जड़ तक जाना चाहिए पहले कि हमें क्यों नहीं है, लड़की वालों को अधिकार क्यों नहीं है ये सब मांग करने का, लड़के वालों को ही क्यों है? जी। क्यों, उन लोगों को किसने दिया अधिकार, है ना? किसी ने तो दिया है, ये अपने आप तो नहीं आया है, तो किसने दिया? हमें जड़ को देखना है। तो इसका जड़ क्या है? जैसे हम थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगी, लेकिन थोड़ा डिटेल बोलूंगी इस बारे में मैं, क्योंकि बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। जैसे मैम ने भी बढ़िया से बताया हमें थोड़ा डिटेल, तो अच्छा है, लेकिन मैं उससे थोड़ा और अंदर जाने जाकर बोलूंगी आपसे ये चीज कि देखिए, जैसे सबसे पहले क्या था, सिंधु संस्कृति थी हमारे देश में, तो वो क्या था सिंधु संस्कृति, यानी क्या, एक महिलाओं का राज्य था, जो महिलाएं है वो राजकारभार करती थी, उनकी वजह से सब कुछ चलता था। जैसे आज फिर कुछ सालों बाद, जैसे जो बोलते हैं हम लोग पुरुषार्थ संस्कृति आ गई, पुरुष प्रधान संस्कृति, वो कैसे, तो उसमें राजाएं होते थे, लेकिन पहले सबसे पहले क्या था, हमारी स्त्री संस्कृति थी। सिंधु संस्कृति में क्या होता था कि महिलाएं जो होती वो रानियां रहती थी, वो राजकारभार चलाती थी, वो सब कुछ करती थी, उनके वजह से चलता था। और आज जैसे लड़के वाले लड़कियों को देखने आते हैं, तब लड़की वाले जाते थे, लड़की वाले चॉइस करते थे कि हमें ये लड़का चाहिए, वो लड़का चाहिए, वो करते थे, वो हम लोगों को, लड़कियों को अधिकार था, महिलाओं को अधिकार था, ये अधिकार क्यों हमसे छीना? हर चीज हमारे देश में, जो भी, जो भारत देश हम बोल रहे हैं, उस भारत देश में ये जो सब कुछ जो यहाँ से जो हुआ है, जो हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं, वो कौन थी? हम महिलाएं थी, महिलाओं ने सब कुछ निकाला है। जो अनाज है, खेती है, वो कैसा होता है, वो महिलाओं ने क्रिएट किया हुआ है। जो हॉस्पिटल्स, हम जो मेडिसिन लेते हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो महिलाओं ने किया है। वो जंगल जाके जड़ी बूटियां लाकर वो सब करती थी। यानी जो कुछ किया है हमारे देश में, जो भी प्रगति हुई, वो महिलाओं की वजह से हुआ है। और हम लोग महिलाओं को जैसे बोलते हैं ये अबला है, बोलते हैं ना, उसको अबला कहते हैं, तो अबला का सही अर्थ क्या है? अखंड ऐसा बल, अखंड ऐसा बल जिसमें होता है वो होती है महिलाएं। तो ये सब जो राजकारभार जो चलता था, वो महिलाओं की वजह से होता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो यूरेशियन लोग हैं वो हमारे भारत देश में आए, उन्होंने देखा कि इस देश में क्या चल रहा है, महिलाओं का राजकारभार है इतना बढ़िया। जैसे हम बोलते थे कि ये सोने की चिड़िया है भारत, तो क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें सब कुछ था। ये आज के जमाने जब हम देख रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है, ये है वो है, वो तब नहीं था, सब सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि महिलाएं वो चलाती थी, महिलाएं। क्योंकि आज भी हम देखें तो एक महिलाएं जो घर चलाती है वो इतनी बढ़िया तरीके से चलाती है कि उसके हाथ में रहा पूरा राज, जो भी घर का जो रहता है वो उसके हाथ में रहा, तो बहुत बढ़िया से वो घर चला सकती है।
तो ये जो चीज है वो तब भी था। तो जो यूरेशियन लोग आए उन्होंने देखा कि अरे ये इतना बड़ा देश, इतना बढ़िया सब कुछ यहाँ पर है, संपन्न है, तो इस देश को हमें काबिज करना है, तो क्या करना है, तो इस देश को काबिज करना है तो इस महिलाओं को हमको गुलाम बनाना है, महिलाओं को गुलाम बनाना है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल षड्यंत्र शुरू कर दिया, महिलाओं को अपने वो बढ़िया वहां से जो यूरेशिया से आए हुए लोग बढ़िया से ऊंचे हटे कटे बढ़िया से सुंदर से गोरे चिट्ठे लोग थे, उन लोगों ने हमारे जो सादे सो लोग थे भारत हमारे देश के उन लोगों को बहला फुसला के, और हम लोगों में वो बहुत आदत है, बहुत हम लोग बोलते हैं ना हम मेहमान आए तो उनका बहुत आवभगत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो चीज उन लोगों ने हम लोग उन लोगों को बिल्कुल मिक्स कर लिया, वो लोग हमसे मिक्स हो गए, हमारी महिलाओं से शादी कर ली, उन लोगों ने महिलाओं से शादी की, सब कुछ हुआ, फिर उन लोगों को धीरे धीरे करके गुलाम बना दिया, गुलाम बना के फिर क्या किया, पूरा राजपाट अपने हाथों में ले लिया, और क्या हुआ फिर हो गया पुरुषार्थ शुरू, पुरुष संस्कृति जो बोलते हैं अभी हम, स्त्री संस्कृति चली गई, पुरुषार्थ का शुरू हो गया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे अब जो प्रथा हम लोग बोलते हैं जो दहेज का कहां से आया है, क्यों आया है, महिलाओं को ही क्यों किया जाता है सब चीज, तो ये क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद उन लोगों ने जो हमारी महिलाओं से शादी हुई, हमारे महिलाओं से जब उन्हें बच्चे हुए, तो जब हमारे महिलाओं से जब उन्हें बच्चे लड़कियां पैदा हुई, तो वो लोग सोचे नहीं, वो बहुत दूर की सोचते थे वो लोग, उन लोगों ने क्या सोचा, यदि लड़की है तो ये पैदा हुई ये ज्यादा चली या और इन लोगों में वही इन्हीं लोगों का खून है, तो ये हम लोगों का राजपाट छीन सकती है, इसलिए उन लोगों ने भ्रूण हत्या, जो लड़कियों का जो भ्रूण हत्या है वो शुरू किया, लड़कियां पैदा हुई उन्हें मार डालो, वहां से शुरू है, ये अभी का शुरू नहीं है, वहां से शुरुआत है ये औरतों को मारना, लेडीज जो बच्ची होती है उनको मारने का, ये वहां से शुरू है ये चीज, तो वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे फिर लड़कियों के शादी करना है, उन्हें गुलामी में डालना है, वो उनका काम सिर्फ घर का काम करना है, पति को देखना है, बच्चों को देखना है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं, उनको बाहर जाने का, क्योंकि ये सारा अधिकार उन लोगों को पहले था, उन लोगों ने बिल्कुल विरुद्ध कर दिया, क्योंकि उन लोगों का उनका राज्य स्थापन करना था। तो वहां से ये सब शुरू हुआ, और वहां से फिर लड़कियों में कमी ढूंढना शुरू किया है, ये लड़की काली है, ये लड़की मोटी है, ये लड़की ये है, ये लड़की वो ज्यादा एजुकेटेड हुई थी, ये लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, हम लोग हमारे घर में वो नहीं रह सकती, यानी एजुकेशन ले वो भी प्रॉब्लम है, यदि एजुकेशन नहीं है वो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा गोरी है वो भी प्रॉब्लम है, और चलो ये सब झंझट करके शादी कर भी लिया तो भी प्रॉब्लम ही है, क्यों हर लड़की को ही प्रॉब्लम है, लड़कों को नहीं है, तो हम लोगों की ये व्यवस्था बदलनी है, इन लोगों की सोच बदलनी है, तो ये सोच कौन बदलेगा, हम महिलाएं, हम लड़कियां, हम ही बदलेंगे हम, क्योंकि ये जो गुलाम हम लोगों को गुलाम बना है इन आदमी लोगों ने, इन पुरुषों ने, तो ये जो पुरुष है वो हमें कैसे आजादी दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका उनका जो गुलाम है वो आजाद हो, फोकट का गुलाम है ना, वो आजाद हो ये कोई नहीं चाहेगा, इसलिए जो महिलाओं का आंदोलन होगा, जो भी महिलाओं को आजाद करना है, तो इस लड़ाई में हम महिलाओं को उतरना है और हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है। और जो आपने जो सवाल किया था कि लड़कियों को ही क्यों किया जाता है, तो ये मेन कारण है, क्योंकि उनको पता है लड़की कैसी भी हो वो सबसे बेटर है, वो कुछ भी हो कैसे भी हो, भले ही वो उसको हाथ पैर ना रहे कुछ, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज है कि वो अपना पूरा परिवार बढ़िया से चला सकती है, वो चलाएगी तो घर को स्वर्ग बनाती है, नहीं तो टाइम आए तो आपको भी पता है वो कुछ भी कर सकती है। तो ये जो है वो सब वहां से शुरू है, हम लोग आज का सोचते हैं, लेकिन हमें तब का सोचना है ये कहां से शुरू है, और उस जड़ को हमें हटानी है, जब वो जड़ हटेगी तभी हम लोग महिलाएं मुक्त होगी, और उसके लिए हम लोगों को लड़ना है, किसी और से अपेक्षा नहीं करनी है हमें। जी बिल्कुल जी, अभी रिसेंटली हमने केस देखा आयशा का, बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी, जो कि जसबीर मैम और ज्योति मैम आपने भी देखी होगी, आयशा का जो केस हुआ। तो एक बहुत आम सी चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो दहेज की मांग होती है, सबसे बढ़िया जो बाप का गहना होता है वो होता है उसकी बेटी, जो वो दे चुका होता है, उसके बाद अगर आप डिमांड करते हैं तो आप एक वैश्य जानवर से भी गए बीते हैं, जो बुद्धिहीन जो कहते हैं ना उससे भी ज्यादा गए बीते होते हैं। तो एक चीज मैं बहुत आम से बताना चाहूंगी, जैसे ये प्रोग्राम काफी सारे मजहब के लोग देखते हैं, तो हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये चीज के लिए क्लियर मनाई की है कि आप दिखावे वाली शादी करें, सिर्फ निकाह जो मुस्लिम जो समुदाय में होता है सिर्फ निकाह, और कोई दिखावा नहीं। जैसे कि मैम हमने पहले बात की थी कि शो ऑफ बहुत करते हैं आजकल लोग और दिखावा बहुत करते हैं, ना ही दहेज की मांग आप कर सकते हैं, ना ही मतलब देना चाहिए,
तो बहुत सिंपल सी शादी जो निकाह होता है सिर्फ, और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा दिखावा नहीं। लेकिन आजकल के जमाने में जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं, हर समाज के लोग एक नई नई प्रथाओं को अपनाए जा रहे हैं, जो चीज नहीं अपनानी चाहिए वो उसको फॉलो किए जा रहे हैं। जसबीर मैम, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि किसी और संस्कृति को अडोप्ट करना बहुत अच्छी बात होती है अगर वो संस्कृति आपको एक सही रास्ते पर ले जाती है, लेकिन वही संस्कृति अगर वो विनाश की तरफ चली जाए तो उसका क्या नतीजा होगा? देखिए, एक ना हमें जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब जो इंसानी दिमाग है, आम जो इंसानी दिमाग है, जिसके अंदर जिसको हम रियल एजुकेशन कहते हैं, रियल एजुकेशन ना बाहर की डिग्रियां नहीं होती। आपको भी जी पता है, मुस्लिम समाज में भी, सिखों में भी, हिंदुओं में भी, वो कहते हैं कि जो आपके पास ब्रह्म का ज्ञान है, जो परमात्मा ईश्वर का, अल्लाह का, जो आपके पास जो गुण है, अगर आपके पास सत संतोष दया धर्म धीरज है, हम लोग तो इनको मानते हैं, तो आप इन चीजों से बचोगे। लेकिन अगर आपके अंदर पांच कक्के, जो पंजाबी में हम लोग गुरुमुखी में, गुरु ग्रंथ साहब में हमें बताए गए हैं, वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सबसे बड़ा काम है, फिर क्रोध, फिर लोभ मोह और अहंकार है। अगर हम इनके गुलाम हैं, काम के गुलाम, मतलब हमारी फिजिकल डिजायर बंदे से पूरी नहीं होती, और जी मेरी तो शादी गलत हुई है, मेरा तो ये हुआ है वो ना, फिर बाहर उसकी नजरें और उसका दिमाग बाहर जाता है, जो कि बहुत घातक होता है। उसी से समाज में इतने रेप और इतना गंद जो फैला हुआ है, और घर टूटते हैं, तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, वो सब उसकी देन है। क्योंकि वो उसके अंदर, अपने रिश्ते के अंदर उसको सुख चैन है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा दैत्य कहना चाहिए, राक्षस कहना चाहिए, दुश्मन जो ह्यूमैनिटी का है। और क्रोध, उसी से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, फिर जी लोभ होता है, बहुत ग्रीड जो है, अहंकार। तो जो अगर हम इन चीजों के गुलाम है, जो मन, वो फिर भेड़ चाल, भेड़ चाल मतलब उसकी तो सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो जाती है, वो फिर आसपास के लोगों की नकल में ये सब करता है। तो आपने जो मुझे बताया कि दूसरी संस्कृति को फॉलो करना, हाँ, दूसरी संस्कृति फॉलो करनी है तो अच्छी चीजें फॉलो करो ना। जैसे बिल्कुल अब हमें आपने बताया, इस्लाम में कहते हैं कि सीधी सादी शादी करो, सिखों में भी बिल्कुल यही है कि गुरुद्वारे जाओ, सारे अपने रिश्तेदार लेके, सज्जन मित्र लेके गुरु ग्रंथ साहब के पास जाओ, और हम उसको आनंद कारज बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब बीच में होते हैं, और वहां पे हमारे फेरों का जो जो वैसे अध्यात्म की बात है कि इस रूह का और अल्लाह का जो निकाह, शादी, जो मर्जी कह लें उसको, वो आनंद कारज होता है। ऐसे ही आपको आनंद कारज करना होता है, और लंगर छक के और घर को आ जाओ। लेकिन ये क्या होता है कि अहंकार के बस में बंदा दिखाना चाहता है दुनिया को कि मैं तो पता नहीं क्या भला हूं, मुझे देखो जरा, मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं, कितने बड़े बड़े मैं अडंबर रचा सकता हूं। तो वो फिर अडंबर रचाते, मैं कहती हूँ पैसे वाले ठीक है अडंबर रचाएं, लेकिन फिर गरीबों को वहां शामिल करें। जैसे हम लोगों के घरों में ये होता था कि गांव में अगर शादी है, मान लो हम जिम्मेदार हैं, जमीन वाले हैं, तो थोड़े पैसे ज्यादा हैं, फिर ये होता था सारा गांव उस शादी में शामिल होता था। मतलब कि जब लंगर बटेगा, मीन्स आनंद कारज के बाद जब सबने खाना खाना है, तो सब जने वहां खाने आएंगे, और सबको बराबर में बिठा के खिलाया जाता था। ये तो बात हुई कि हम अपनी खुशी आपके साथ बांट रहे हैं, कोई अडंबर नहीं कर रहे, और दूसरे बेचारे देखते रहे, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जो बात है वो बहुत खूब है, संस्कृतियों को कैसे हम नकल कर रहे हैं। अब मान लीजिए, अब हर एक समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज है या हिंदू है या सिख है या जो मर्जी है, वो जी रिंग सेरेमनी कर रहे हैं। बताओ, रिंग सेरेमनी तो एक शादी होती है कंप्लीट। क्रिश्चियंस में वो एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं चर्च के अंदर, और उनकी शादी हो जाती है पूरी। हमने रिंग सेरेमनी कहां से ले आए, एमें हवा में। अब एक चुन्नी चढ़ाना होता है, चुन्नी चढ़ाने का मतलब होता है कि राजपूत लोग ऐसे लड़कियों को चुन्नी पहना के ले आते थे, जो राजा होते थे, ऐसे ही जहां भी कोई पसंद आ गई उसको चुन्नी उड़ाई और उसको ले आए, चुन्नी मतलब दुपट्टा। अब चुन्नी चढ़ाने की रस्में शुरू कर दी, अब शुरू कर दिया जी हम तो ठेका ठाका लगाने जा रहे हैं, पंजाब में कहते हैं ठाका लगाने, ठाका मतलब सबसे पहले गए वहां, पैसे दिए, पता नहीं क्या कुछ दिया, अजी रोक दी। अब हिंदू सारे कहते हैं हम रोकने गए थे जी, रोका करने गए थे। अच्छा, रोका करने कर चले, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। दुनिया भर की जो कहते हैं ना मिक्स्ड वेजिटेबल शादियों को बना के रख दिया, मिक्स्ड वेजिटेबल। अब उसके लिए क्या करते हैं, सात सात किस्म के ये मंडप बनाते हैं,
सात सात किस्म की रस्में करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कौन लोग करते हैं, कौन लोग, वो लोग करते हैं जिनका अपना दिमाग, जिनकी अपनी समझ, जिनकी अपनी परिपक्वता, जिसको कहना चाहिए। अब मैं सिख हूं तो मुझे सिख होना चाहिए ना, मैं सिख किस चीज की हूं अगर मैंने अपने गुरु की बातें नहीं मानती। आप मुस्लिम है तो आप कुरान के मुताबिक चलिए ना, जो मोहम्मद साहब ने कहा फिर वैसे करिए निकाह। और जो मुस्लिम हो के दहेज ले रहे हैं आप और इतने बड़े बड़े वो कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं खामखा में, उन्होंने ऐसा थोड़ी तलाक बनाया था कि किसी को तलाक दे के बैठ जाओ दो मिनट के अंदर, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया था उन्होंने। और सिखों में तो तलाक की बात ही नहीं है, हम लोगों में तो ये लफ्ज है ही नहीं। उन्होंने कहा पहले ही सोच समझ के आप जो ये रिश्ता बनाना है वो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि अनंत कारज सिख का सिख से ही हो सकता है। मतलब जो दोनों एक विचारधारा के धारणी होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मन मुटाव, उनके डिफरेंसेस बहुत कम होंगे, वो बच्चे अपना जीवन गुरु को समर्पित करते हैं जब वो आनंद कार्य करते हैं कि हम आपके समर्पण में ये जीवन जिएंगे। जब आप इतने बड़े वली, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े पैगंबर के सामने अपने आप को समर्पण कर दोगे, बताओ वहां तलाक रह कहां जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो बात ये है कि ये जो फालतू की चीजें, इसकी भी उठा ली, उसकी भी उठा ली, उसकी उठा ली, ये सब मूर्खों का काम है। और मैं कहूंगी भारत में तो ऐसे मूर्खों को मैं कहूंगी 90% तो ऐसे लोग हो चुके हैं जिनके घर में रोटी नहीं है खाने को, वो भी जा के कर्जे ले लेके और मर जाते हैं। यूपी की आपको मैं बातें बताऊं, बिहार की, आपके तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। वहां पे पहले सौदा होता है कि कितने लाख की शादी करोगे जी, लड़की वालों के सर पे चढ़ जाते हैं जाके। फिर वो क्या कहते हैं, कहे जी तो भगवान है, जवाई जो है आपका, जवाई होता है ना जो लड़की का घर वाला, अगर लड़की वालों के घर में आएगा तो कहे उसके पैर धो धो के पियो, है पागल, तो बताओ कौन सा रिश्ता वहां रह जाएगा, कौन सी बराबरी रह जाएगी, कौन सी खुशी। एक चीज और, जो लड़की अपने घर से 25 लाख का 30 लाख का दहेज लेके जाएगी, वो ससुराल वालों को तो वैसे ही नाक में दम कर देगी कि तुम लोगों ने मेरे बाप से ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये मुझे मत अपनी बातें सुनाओ। मतलब वहीं से काम जो है तोड़ने फोड़ने का खत्म शुरू हो जाता है, खत्म तो कभी होगा ही नहीं। सो ये जो संस्कृतियां अपनानी है ना, दूसरी दूसरी अपनी अपनी जो तुम्हारी तुम्हें गाइडलाइन दी गई है अपने फेथ के मुताबिक, अपने समाज के मुताबिक। और वैसे भी मैं सबसे कहूंगी, इंसानियत की बात तो ये है कि आप शादी का मतलब है शाद होना, खुश होना, दो रूहों का मिलन होता है, ये शरीरों का मिलन नहीं होता। गुरबाणी में हमें ताकीद की गई है, वो ये है कि तन पिर ए ना आखिए बैन इकट्ठे होए, एक जोत दो ही मूर्ति तन पिर कहिए सोए। मतलब पति पत्नी उनको मत बोलो जो शरीर इकट्ठे होके सो गए एक बिस्तर में, वो पति पत्नी है दो दो शरीर होते हुए भी एक रूह है, एक जान है, तो हमें वो बनना है। तो वहां दहेज की और इतनी रस्मों की बात रह ही नहीं जाती। हमें पता होना चाहिए कि शादी का मतलब है क्या, अपने बच्चे को, बच्ची को, बेटे लड़की को शुरू से ये बताना चाहिए। जी जी, देखिए जिस तरीके से मैंने संस्कृति की बात की थी, तो हर एक संस्कृति में ये चीज नहीं है कि दहेज आप लीजिए। इवन मुस्लिम्स में अगर मैं दोबारा बात करना चाहूंगी तो एक मेहर नाम की चीज होती है जो कि लड़का लड़की को एक गिफ्ट के तौर पर देता है, और इसके अगेंस्ट जो दहेज लिया जाता है उसका नाम तो कहीं पर है ही नहीं, और इवन मुस्लिम्स में और सिखों में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार जी, आपसे मैं अगला सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि विलेजेस में, गांवों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं और सिर्फ उसकी शादी एक ऐसे घर में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैम जसबीर मैम मैंने पहले बात की थी, सरकारी टीचर्स जो होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, डिमांड उनकी काफी हो जाती है। तो राजकुमार जी आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी, तो राजकुमार जी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि गांव में जो पेरेंट्स जो जिनके बच्चों की सरकारी जॉब है उनकी डिमांड काफी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि क्या यहाँ पर भागीदारी परिवार की होती है या उस लड़के की होती है जिसकी शादी होने वाली है? जी नहीं, जो अमीर व्यक्ति होता है उसका कोई डिमांड नहीं होता है, दरअसल उसमें जिस जो लड़की होती है उसका भी कुछ गलतियां होती हैं। हमेशा बड़े आदमी
दहेज के लोभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको बताना चाहेंगे कि दहेज लेना और दहेज देना ये सरकारी जुर्म के खिलाफ माना गया है। तो हमें लगता है कि दहेज के खिलाफ क्या बोलते हैं उसको, अमीर आदमी जो होता है वो दहेज तो नहीं लेता है, लेकिन कुछ जो मतलब अपनी बहनें होती हैं जैसे समाज में गांव में होती हैं कि बड़े घर में शादी करेंगे तो हमारी लड़कियां अच्छे पहनेंगी, अच्छे रहेंगे और सामाजिक सुविधाएं मिलेगा, तो इसके चक्कर में लोग दहेज देना स्टार्ट किए हैं। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी ज्योति मैम आपसे। कई बार माँ बाप की सोच ये रहती है कि अगर हम अपने बच्चों की शादी बड़े घर में कर रहे हैं और वहां पर उसकी सुविधाओं को देखते हुए हम उसको इतना दहेज दें कि उसको कोई परेशानी नहीं आए, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़के वाले होते हैं उनका भी कहना ये होता है कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं, पेरेंट्स जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी की सुख सुविधाओं को देखते हुए दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। समाज को देखते हुए कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं कहीं ना कहीं उस समाज से दब जाते हैं कि सामने वाले ने जब शादी की है तो उसने अपनी बेटी को इतना दिया, तो कहीं ना कहीं वो सारी सोच रहती है कि हम भी इतना दें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो पेरेंट्स होते हैं जो वो यही सोचते हैं कि हम इतना कुछ देंगे तो ही हम हमारी बेटी वहां पर सुख से रह पाएगी, उसे कोई बोलेगा नहीं, उसे कोई टोकेगा नहीं कि तू तो अपने माँ बाप के घर से कुछ लाई नहीं है। और उसके अलावा यदि कोई दूसरा लाता है, यानी उसकी जो मे भी कोई भाई वगैरह उनकी जो बीवियां ज्यादा लाती तो उन्हें ज्यादा मान सम्मान मिलता है, जो लाती नहीं उसको इतना नहीं मिलता है। तो इसलिए उस वो एक डर भी रहता है माँ बाप के मन में कि नहीं हम नहीं देंगे। तो ये जो है ये सब एक गुलामी है कि हम लोग लड़की भी दे रहे हैं उसमें से उनको पैसा भी दे रहे हैं, उसको सब कुछ दे रहे हैं, यानी हम कर क्या, हम हमारी बेची सीधे बेटी जो है सीधे सीधे बेच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम बेच नहीं रहे, हम उनका जो लड़का है वो खरीद रहे हैं पैसा देकर, हम उसको ये कहे, हम बेचना ये बात नहीं कहना चाहेंगे, हमें तो फिर दे रहे हैं। यदि माँ बाप दे रहे हैं, यदि माँ बाप जो भी दहेज दे रहा है तो उन्होंने तो सीधा कहना चाहिए हम तुम्हारे लड़के को खरीद रहे हैं, हम तुम्हें इतना इतना पैसे दे रहे हैं, तुम हमारी बेटी बोलेगी उठ तो उठना है, तुम्हें बैठ तो बैठना है क्योंकि हमने तुम्हें दहेज दिया है। और लड़की ने भी फिर उन लोगों के साथ वैसे ही करना है जो दे रहा है कोई, तो क्योंकि उनको कुछ तो सबक मिले, या क्योंकि वो इतने बचपन से उसको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ले लिखा रहे उसका सब कुछ कर रहे हैं, शादी धूमधाम से कर रहे हैं और ऊपर से पैसा भी दे रहे हैं, उपकार कर रहे हैं तुम लोग शादी कर रहे हो तो, क्यों काम धंधा नहीं है लड़कियों के पास कुछ, शादी कर रहे हैं उसका जीवन बचा रहे हो, काहे का जीवन बचा रहे हो, इतना सब देने के बाद भी तो उसको मारा जाता है, सब कुछ किया जाता है, फिर उसका उसका हिसाब कौन लेगा, उसका तो कोई हिसाब नहीं लेगा ना। तो ये हिसाब हम लोगों को ही मांगना है, माँ बाप को ही शुरू करना है, हम दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, तो इसका मतलब तुम वो लड़का जो है वो जो दामाद होगा उसको हम खरीद रहे हैं, तुम्हें हमने खरीद लिया है, तो अब जो भी करना है वो हमारी बेटी के हिसाब से तुम्हें करना है, ये चीज ये हाँ, ये चीज बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए और सच में। जी जी हाँ, ये तो करना है। मुझे भी एक बेटी है, मुझे एक बेटी है, मैं तो ये मामले में तो रहने वाली नहीं हूँ, यदि क्योंकि मेरा जब शादी हुआ तो मेरे मम्मी पापा का भी यही कहना था, जो दहेज नहीं मांगेगा उसी को बेटी दिया जाएगा, जो बोलेगा वो दरवाजे पे नहीं खड़ा होगे मेरे, तो ये हमारे घर से शुरू होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मैं आपको ये बता है कि पेरेंट्स अपनी बेटी लड़का देखकर उसके उसका स्वास्थ्य देखकर उसकी काबिलियत देखकर देता है, लेकिन यहाँ पर लड़के वाले गलत समझ जाते हैं, क्योंकि शायद जो लोग दहेज मांगते हैं वो कमाने के लायक नहीं होते हैं और वो इस लायक भी नहीं होते हैं कि वो अपनी दी गई बेटी को सुख सुविधा दे पाए, इसलिए वो पेरेंट्स से मांगते हैं। अरे वही ना, क्योंकि उनके बेटे में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो किसी को वो खुद का जिंदगी संवार सके, इसलिए वो दूसरे से भीख मांग रहा है,
दूसरे से पैसे लेकर, एक तो तुम्हें बेटी भी दे, वो तुम्हारा सब कुछ करेगी, तुम्हारा घर का सब कुछ काम करेगी, तुम्हारे माँ बाप का करेगी, तुम्हारे बच्चों का, तुम बच्चा पैदा करके देगी उसको, तुम्हारा जिंदगी भर हमाली करेगी और उसके बाद पैसा भी देगी, ये कहा क्या है, ये कौन सा नियम लगा के बैठे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए और ये होना होगा और ये हम कर लेंगे, वो जी करना बिल्कुल, ही है। अच्छी चीज की शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है। तो जसबीर मैम बिल्कुल, जी खुद से करना है, खुद बिल्कुल खुद बिल्कुल, से तो करना है। मैम आप युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने बहुत अच्छी ज्योति जी ने कही है कि गुलामी से बाहर निकलें, जी गुलामी से, वो है मानसिक गुलामी, फिजिकल नहीं, मानसिक गुलाम होता है ना, फिजिकली वैसे हो गया, भारत गुलाम है ना, 90% लोग तो गुलाम है वहां पे, चाहे हम जी सिख हैं या मुसलमान है, फिर भी हम, मुझे कहना ही पड़ेगा, अब हम यूरेशियन जो लोग आए हैं जैसे ज्योति जी ने कहा, उनके गुलाम है, वो 3% है कुल, और हम सब उनके गुलाम है, क्यों, क्योंकि उनके द्वारा चलाई गई सारी रीतियों को हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो हमें युवाओं को ये देखना पड़ेगा कि मेरी शादी जो होनी है उसके लिए मुझे साथी चाहिए, मुझे कोई खरीदी हुई या बेची हुई चीज नहीं चाहिए अपने बिल्कुल परिवारों में, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपनी बेटी को वैल्यू करना शुरू करें, उसको बहुत महत्वाकांक्षा दें, मींस इम्पोर्टेंस दें उसको, जैसे आप लड़के को देते हो, जितना मेरे लिए जी, लड़का इम्पोर्टेंस है एकदम उतनी ही लड़की इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात, राइट लड़कों को बहुत आगे आके ये बताना होगा अपने माँ बाप को कि जो भी लड़की मेरे घर में आएगी वो मेरा साथी होगी, उसका दिमाग, उसकी पढ़ाई, उसकी सेहत वो मेरे बराबर की होनी चाहिए, और मेरा जीवन का साथी होना चाहिए जो मेरे दुख सुख में मेरे साथ चले, ना कि एक भंडार भर के एक ले आओ और गोरी चिट्टी रंगत देख के तुमने खरीद लिया और मैं बिक गया। तो लड़कों को इसके लिए बहुत बड़ी आवाज उठानी चाहिए, मैं कहूंगी लड़कियों से भी ज्यादा इसमें लड़कों को आवाज बुलंद करनी चाहिए, अपने आप को बेचना नहीं चाहिए और अपने आप को दहेज के लोभियों में शामिल नहीं करना चाहिए, उनको अपने माँ बाप को सिखाना चाहिए कि ये गंदी कोड़ जैसी रीतियों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपने एक समृद्ध और मजबूत समाज की अगर सृजना करनी है, तो ऐसी लड़कियों को आप लेके आए जो गुणों से भरपूर हो, और वो लड़के भी ऐसे होने चाहिए, अपने घरों से आप शुरू कीजिए, और ये यूरेशियन लोगों की चलाई हुई गंदी रीतियां जो सबको गुलाम करती हैं, सबको जाति पाति में बांटती हैं, औरतों को इतना नीचा दर्जा देती हैं कि ढोल शूद्र और पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यहीं से तो दहेज चला है, और ये दहेज तभी खत्म होगा जब औरतें, जैसे ज्योति जी ने कहा है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि बंदे का तो कुछ जाता नहीं है, वो कहता हाँ मेरी शादी हो रही है, बतेरी चीजें आएंगी, पैसे आएंगे, मैं क्यों कुछ बोलूं, चुप रहते हैं ना, अब माँ बाप ने यही कह दिया यहाँ मेरी शादी नहीं करेगा, वहां से ये भाग जाता है उठ के। सो ये चीजें हमें अपने अंदर पक्की करनी है, अपने लड़की लड़के जो हमारे घर में पैदा होते हैं, कि ऐसी कोई चीज नहीं है, जब आपकी शादी होगी वो आपका सबसे खूबसूरत जिंदगी का टाइम होगा, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन किसी से ली हुई चीजों के ऊपर नहीं। दहेज जी हम वो लोग लेते हैं, जैसे ज्योति जी ने भी और आपने भी कहा, जो भिखारी होते हैं, हमने भिखारियों के साथ मिलकर जो है वो कोई हमने जश्न नहीं मनाना। मैं आपको पहले भी इसकी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, हमारे वहां मेरठ में एक बहुत बड़े सरदार जी थे, लाखों के ट्रांसपोर्टर थे, अपनी बहू को वो सिर्फ 5 कपड़ों में लेकर आए थे, मतलब जैसे उसने पहने हुए थे शादी करके, अपने घर में आके उन्होंने जश्न मनाए, सबको बुलाया, ठीक है आपके पास पैसे हैं आपने सबको बुलाना है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और अपने दिए हुए गहनों से उसको लदा, उसके घर से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ये तो बात हुई ना, तो ठीक है आप अपनी खुशियां मनाओ, लेकिन दूसरों से जो मांगते हैं उनको आप अपने दरवाजों से बाहर का रास्ता दिखाएं। तो लड़कों को बहुत बड़ी तादाद में आगे आना चाहिए कि मुझे शादी करनी है तो दहेज के बिना करनी है, उस जी देश में बिल्कुल, तब बदलाव आएगा। राजकुमार जी मैडम कुछ कहना सुनिएगा, चाहते हैं? एक मिनट, लड़कों को तो आपने मतलब बता दिया कि लड़कों को दहेज नहीं लेना चाहिए, और जिनके पास लड़कियां हैं उनको भी चाहिए कि हम शादी करेंगे तो दहेज नहीं देंगे, तुमको शादी बिल्कुल करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी, करो या बिना शादी, शादी में दहेज की कोई मतलब क्या डिमांड करना दहेज के, तुम्हारे पास गुर्दा नहीं कमाने के, लड़के हो तो शादी, लड़की लड़कियां पहले बात तो एक बराबर हैं,
पढ़ाई के मामले में ए टू जेड इक्वलिटी है लड़कों लड़कियां में, तो लड़कियों के परिवार वालों को चाहिए कि हम दहेज नहीं देंगे, यदि शादी करना है जैसे तुम्हारा लड़का पढ़ा है मेरी भी लड़की मैंने पढ़ाया है, तो जी दहेज की बात कहाँ से आई, आप एजुकेशन हो हम भी एजुकेशन दें, तो इसमें दहेज की बात तो पहले ही मतलब खत्म हो जानी चाहिए। यदि तुमको शादी करना है तो हम दहेज नहीं देंगे, तुमको पसंद है शादी करो। पहली बात, लड़की वाले भी थोड़ा सा ये बात नहीं कहते हैं कि हम दहेज नहीं देंगे। मेरे दोस्त एक हैं, उनकी सिस्टर का फिलहाल में अभी शादी लगा है, वो दहेज देने के लिए गाड़ी के लिए उतारू हो गए हैं, सिकड़ी क्या क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ देने के लिए रेडी हैं। हमने उनको बताया यार दहेज देना और लेना कानूनन जुर्म है, लेकिन तुम दहेज को बढ़ावा दे रहे हो। बिल्कुल तुम्हारी सिस्टर है, लेकिन तुमने मुझसे भी कहा था कि तुम थोड़ा मेरे हेल्प करो 30-35 हजार का। हमने कहा भाई हम हेल्प करेंगे, लेकिन तुम दहेज क्यों दे रहे हो, दहेज को बढ़ावा दे रहे हो बहुत सीधे अच्छी। सीधे। मेरे अजीज मित्र हैं, वो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, इसमें खास बात है कि मेरे पिताजी ही शादी लगवाए हैं, उनके भाई जी हैं, जो वो दहेज देने के लिए उतारू है। क्यों आए उतारू, क्योंकि लड़का थोड़ा सा पैसे वाला है, बात यही है ठीक, थोड़ा पैसे वाला है, सिंगल है, उसके पास जमीन जायदाद है, तो उसके भाई बोलते हैं कि यार आदमी बढ़िया है, उसके माता जी हैं पिताजी इंस्पायर हो गए हैं, शादी अच्छी है कर लेते हैं थोड़ा दहेज देकर। तो हमने तो कह दिया आपकी मर्जी भाई, आप तो मतलब देना ही आपको है, आपकी मर्जी क्या करोगे। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लड़कों की गलती होती है, लड़कियां वालों की भी गलती होती है ठीक। पहला नंबर बात जी, दहेज नहीं देना ठीक। मेरा यही मतलब कहना है कि लड़कियों के घर वालों को सोचना चाहिए, यदि हम दहेज देंगे तो दहेज को बढ़ावा मिलेगा, दहेज देने वालों को बढ़ावा मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाहूंगा। लड़के मैंने भी बहुत से मतलब देखे हैं गतिविधियां, जिसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं शादी करने के लिए, तो उनसे यदि कोई शादी करता है तो गाड़ी हुरंडा मांगेगा, तो कहाँ से देगा। यदि आप लोग थोड़ा पैसे वाले हो तो दहेज दे देते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, है ना। जो गरीब हैं, गरीब फैमिली से हैं, वो कहाँ से दहेज दे पाएंगे, बात यह है। तो जो थोड़ा सा अमीर है उनको चाहिए कि हम दहेज को बढ़ावा ना दें। जी मैडम जी, जी जसबीर मैडम जी को बताना चाहूंगा कि लड़कियों वालों को सोचना चाहिए कि हम दहेज ना दें, तो निचले वर्ग को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, देखिए आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ज्यादातर लड़के वाले दहेज मांगते हैं और लड़कियों वाले डरते हैं, वो जो डर उनके दिल में बैठा, मैंने इसलिए कहा था। हाँ जी 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 जरूर जरूर, आपके हाँ। बात से हम सहमत हैं, लेकिन ये बात जो आपने कहा था कि लड़कों वालों को ताली एक हाथ से भी नहीं बजती है, हाँ, तो की बात सही है, जसबीर मैम की बात है कि फोर्स ना किया जाए लड़की वालों को, और जी जी कह रहे हैं कि लड़की वाले जो है वो इतना दहेज ना दे कि दहेज को बढ़ावा मिले, तो ये दो पहलू है यहाँ पे, तो दोनों को सोच समझना चाहिए। और वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को एंड करने का, तो आप सबका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और उम्मीद करती हूँ कि आगे ज्योति मैम और जसबीर मैम और राम कुमार जी आप नेक्स्ट प्रोग्राम भी ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद आप जी, हमें ऐड किया, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू।